बच्चों, आप कई बार बीमार हुए होंगे। मैं भी बीमार पड़ती हूँ। अक्सर बारिश के दिनों में भीगने की वजह से सर्दी खांसी हो जाती है। मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया हो जाता है। खान पान में गड़बड़ी की वजह से भी बीमार पड़ते हैं। कुछ बीमारियाँ तो इतनी तेजी से फैलती हैं कि महामारी का रूप ले लेती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को आपने और हमने सभी ने देखा है और इसकी त्रासदी से अब हम गुजर चुके हैं। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे अपने रोजमर्रा के कार्यों को कर पाने में कठिनाई महसूस होती है। अधिक बीमारी की स्थिति में तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन से ही सुखी जीवन होता है। तो आइए इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारा स्वास्थ्य क्या है और साथ साथ रोगों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। आम तौर पर जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। जब हम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। बच्चों, आपने WHO का नाम सुना होगा। WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। बच्चों, WHO ने सन 1948 में स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी। स्वास्थ्य का अर्थ रोग का ना होना या अशक्तता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तनाव रहित होकर किसी भी कार्य को पूरी क्षमता के साथ कर पाता है। तो बच्चों, हमने जाना कि स्वास्थ्य एक सकारात्मक और गतिशील अवधारणा है। बच्चों, स्वास्थ्य जब हमने जान लिया तो इसके बाद हम जानते हैं कि अस्वस्थता क्या है। स्वस्थ होना अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि एक डांसर की बात करूं तो डांसर के लिए स्वस्थ होने का मतलब है किसी भी परिस्थिति में अच्छे नृत्य का प्रदर्शन कर पाना। एक बांसुरी वादक के लिए स्वस्थ होने का अर्थ है लंबी गहरी सांस के साथ बांसुरी के सुरों को नियंत्रित कर पाना। एक खिलाड़ी के लिए स्वस्थ रहने का अर्थ है किसी भी विषम परिस्थिति में अच्छे खेल का प्रदर्शन कर पाना। बच्चों, कई बार बिना किसी रोग के भी हम अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते। अभी मैंने जो आपको उदाहरण दिया, डांसर का, बांसुरी वादक का और खिलाड़ी का, किसी भी कारणवश यदि वह अपने कार्यों का प्रदर्शन सहज ढंग से कर पाने में असमर्थ होता है तो हम कहते हैं कि वह अस्वस्थ है। तो आपने अस्वस्थता के बारे में जाना। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक रोग पर। बच्चों, रोग क्या है? रोग की हम बात करें तो यदि मैं इसके अर्थ पर जाऊं तो मैं कहूंगी कि शरीर की स्वस्थ संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक अवस्था में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होना रोग कहलाता है। इंग्लिश में रोग को डिसीज कहा जाता है। डिसीज दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस धन ईस। डिस का मीन्स डिस्कम्फर्ट या असुविधा होता है और ईस का मीन्स होता है रेस्ट या आराम। जब हमारे शरीर को कोई शारीरिक असुविधा होती है तब हम कहते हैं कि उसे कोई रोग है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। जब हमें कोई रोग हो जाता है तो किसी अंग या एक से अधिक अंगों के कार्य की में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, खराबी उत्पन्न होती है या विकार उत्पन्न होता है, तब उसके कुछ विशिष्ट लक्षण या संकेत परिलक्षित होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर हम पहचान पाते हैं कि उसे कोई
रोग हुआ है। उदाहरण के तौर पे मैं देखूं कि किसी व्यक्ति को लगातार उल्टी दस्त हो रहे हैं तो मैं कह सकती हूं कि उसे डायरिया रोग हो सकता है। बच्चों, जब कोई रोग होता है तो शरीर विशिष्ट संकेत देता है, जैसे सिर दर्द, बुखार, सूजन इत्यादि। रोगों की पहचान हम लक्षणों के आधार पर करते हैं, लेकिन रोगों की पुष्टिकरण हम प्रयोगशाला में जांच के उपरांत ही कर सकते हैं। जब भी कोई रोग होता है तो शरीर के एक अंग अथवा अंग तंत्रों के कार्य एवं संरचना में बदलाव उत्पन्न होता है। इन बदलावों के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यही रोग के लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम यह तो जान सकते हैं कि व्यक्ति को कोई रोग है, लेकिन कौन सा रोग है हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही प्रकार के लक्षण अनेक रोगों में दिखाई देता है। जैसे सिरदर्द, सिरदर्द आँखों की कमजोरी के कारण भी हो सकता है, या फिर अत्यधिक तनाव या परीक्षा के भय के कारण हो सकता है। अनेक दर्जनों बीमारियों के कारण से सिरदर्द हो सकता है। उसी प्रकार एक ही रोग का अनेक लक्षण भी प्रकट होता है। यदि मैं टीबी का उदाहरण लूं तो टीबी की बीमारी में सिरदर्द, बुखार, वजन का कम होना, खांसी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो अतः हम लक्षणों को देखकर किसी भी रोग की पहचान नहीं कर सकते, पुष्टि नहीं कर सकते। इसलिए चिकित्सकों द्वारा रोगों की जांच कराई जाती है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा में विभिन्न प्रकार की जांचें उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से कुछ ही समय में रोगों की पहचान कर ली जाती है। रोगी व्यक्ति के मल मूत्र, रक्त, कफ, बलगम आदि की जांच की जाती है। कुछ मशीनें जैसे कि एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों की विकृति की भी जांच की जा सकती है। इसके बाद बच्चों, अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे घर, पास पड़ोस और आसपास के परिवेश और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारे स्वास्थ्य को मुख्यतः दो कारक प्रभावित करते हैं, एक व्यक्तिगत कारक और दूसरा हमारे आसपास का परिवेश या पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। इसके अंतर्गत खानपान संबंधी नियमों का पालन किया जाता है, संतुलित आहार, पर्याप्त घंटों की नींद, विश्राम और शारीरिक स्वच्छता, योग, व्यायाम आदि पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा कारक है परिवेश। तो पर्यावरणीय ज्ञान के अभाव में भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत सूर्य के कारण, तेज धूप और यूवी रेस के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जबकि वायु की बात करें तो अस्वच्छ वायु, प्रदूषित वायु में हानिकारक तत्व और हानिकारक सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही दूषित जल और भोजन में भी हानिकारक तत्व और सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर प्रवेश करने से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पेड़ पौधे एक महत्वपूर्ण कारक है स्वास्थ्य के लिए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी होती है, जिसके कारण शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो पाता। उनका स्वास्थ्य पेड़ पौधे वाले इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छा नहीं होता है। परिवेश की स्वच्छता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हमारे आसपास स्वच्छता होती है, हमारा परिवेश शुद्ध होता है, तब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कूड़े करकट, गंदगी इत्यादि वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। इसके बाद बच्चों, हम बात करते हैं रोगों के प्रकार की। तो रोगों का वर्गीकरण एक तो अवधि के आधार पर किया जाता है और दूसरा जन्मजात और उसके उपार्जित होने के आधार पर। तो जब हम पहले प्रकार की बात करते हैं अवधि के आधार पर, तो आप देखते हैं कि आप अक्सर गिरते होंगे, साइकिल चलाते समय गिरे होंगे, कुछ घाव लगा होगा, उपचार के दौरान 2-4 दिन में आपका घाव ठीक हो गया होगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी अवधि तक चलती हैं। तो इस अवधि के आधार पर रोग का जो पहला प्रकार है वह है तीव्र रोग। इसे एक्यूट डिसीज भी कहते हैं। यह जो एक्यूट डिसीज के अंतर्गत आने वाले रोगों का उपचार
के दौरान शीघ्र ये ठीक हो जाते हैं, जैसे कि साधारण बुखार और सर्दी खांसी। जबकि जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, इनके उपचार चलने के बावजूद भी ये जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, जैसे कि टीबी और अनेक एड्स जैसी बीमारियां। रोग दो प्रकार के होते हैं, पहला जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को कंजेनाइटल डिसीज कहते हैं। ऐसे रोग जो जन्म से ही किसी व्यक्ति के शरीर में रहते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं, तथा ये वंशानुगत होते हैं। ये रोग अनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। बच्चों, किसी भी जीव या पेड़ पौधों की कोशिकाओं में उनके अनुवांशिक गुणों को संचालित एवं संचरित करने के लिए गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यदि किसी कारण से इन गुणसूत्रों में कोई बदलाव उत्पन्न होता है, तो इसके कारण ये अनुवांशिक रोग हो जाते हैं। गुणसूत्रीय विपथन एवं जीन म्यूटेशन के कारण ही अधिकांशतः अनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग होते हैं। गुणसूत्रीय विपथन के अंतर्गत टनल सिंड्रोम एवं डाउन सिंड्रोम का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में गुणसूत्र होता है, और यह गुणसूत्र एक निश्चित संख्या में है। मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम तथा जो 23वां जोड़ा है वह पुरुष और महिला में अलग-अलग होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही महिला और पुरुष का निर्धारण होता है। तो जब हम टनल सिंड्रोम की बात करते हैं, जो कि गुणसूत्रीय विपथन के कारण होता है, तो इस बीमारी में 46 गुणसूत्र की जगह केवल 45 गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं, अर्थात एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिस कारण यह बीमारी होती है, और यह महिलाओं में ही होती है। उसी प्रकार डाउन सिंड्रोम भी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण मानसिक विकलांगता आती है। जबकि जीन म्यूटेशन के कारण होने वाली बीमारियां सिकिल सेल एनीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया तथा एड्स है। सिकिल सेल एनीमिया में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, साधारणतः वह गोल होती हैं, किंतु सिकिल सेल एनीमिया जब हो जाता है, तब ये कोशिकाएं गोल ना होकर हसिया आकार हो जाती हैं, जिसके कारण इनके कार्य करने की क्षमता कम होती है, और ये साधारणतः 120 दिन की अपेक्षा 20 से 30 40 दिनों में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद यदि वर्णांधता की बात करें, वर्णांधता का रोगी लाल और हरे रंगों को पहचान कर पाने में कठिनाई महसूस करता है। वहीं हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बन पाता, जिसके कारण घाव या चोट की स्थिति में उसका बहुत सारा रक्त व्यर्थ ही बह जाता है। और एड्स भी एक अनुवांशिक रोग है, जो कि वायरस के कारण होती है। बच्चों, ये तो हमने जाना कि जीन म्यूटेशन या गुणसूत्री विपथन के कारण अनुवांशिक रोग हो जाते हैं, पर ये जीन का म्यूटेशन या गुणसूत्री विपथन होता क्यों है? तो इसका कारण अल्ट्रावायलेट रेस, कुछ वायरस या केमिकल हो सकते हैं। उपार्जित रोग। उपार्जित रोग ऐसे रोग होते हैं जो जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं। ये रोग वंशानुगत नहीं होते हैं। संचरण के आधार पे इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला संक्रामक रोग, इसे संचरणीय इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाता है, और दूसरा है असंक्रामक रोग, इसे असंचरणीय नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैलते हैं। इसका कारण हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या पैथोजेंस कहा जाता है। ये रोगाणु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स या निमोटोड्स। तो पहला रोगाणु जो है विषाणु पर हम अभी बात करेंगे। तो विषाणु क्या है? विषाणु एक अत्यंत सूक्ष्म अकोशिकीय जीव है, जो कि किसी के किसी शरीर के अंदर ही
जीवित रह पाता है, और अगर वो बाहर है तो वो मृत अवस्था में रहता है। इसे इसकी पहचान कर पाना बहुत कठिन है। यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। विषाणुओं के द्वारा होने वाले कुछ रोग, तो पहला है साधारण सर्दी खांसी। जो सामान्य सर्दी खांसी होती है वह राइनो वायरस के कारण होती है, आप सभी उससे परिचित हैं। दूसरा स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है यह। इसमें तेज बुखार, दर्द के साथ लाल दाने आ जाते हैं, यह इसकी रोकथाम हो चुकी है। इसके बाद पोलियो की बीमारी भी एक वायरस के कारण ही होती है। पोलियो मेलाइटिस विषाणु के कारण जब कोई व्यक्ति या बच्चा संक्रमित होता है तब उसे पोलियो हो जाता है। पोलियो का जो वायरस है किसी व्यक्ति के केंद्रीय नाड़ियों को प्रभावित करता है। उसकी मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और उसे लकवा मार देता है और उसे विकलांगता आती है। भारत में अब यह बीमारी खत्म होने के कगार पर है। बृहत टीकाकरण अभियान और पोलियो ड्रॉप के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा चुका है। अगला बीमारी है डेंगू। डेंगू भी वायरस से होने वाला एक रोग है जो कि एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आती है और बहुत तेज बुखार होता है। इसका भी इलाज संभव है। पर्याप्त सावधानी रखकर हम डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद अगली बीमारी है एड्स। बच्चों, एड्स की जो बीमारी है वायरस से होने वाली घातक बीमारियों में से एक है, क्योंकि अब तक इसका इलाज संभव नहीं है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है और यह एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। यह रोग इन्फेक्टेड इंजेक्शन के यूज से, गलत रक्त आधान के कारण या लैंगिक संपर्क के कारण भी फैलता है। इसके साथ किसी गर्भवती माता के बच्चों में आनुवंशिक रूप से तथा उसके दुग्धपान करने से भी यह फैलता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि यह रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाओं तथा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं पर ही आक्रमण करता है। अगली विषाणु से होने वाला अगला बीमारी है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। इस प्रकार अनेक हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी इनमें से सबसे अधिक खतरनाक है, लेकिन इसका भी टीकाकरण उपलब्ध है और हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। अन्य रोगों में रेबीज भी एक विषाणु से होने वाला रोग है। कुत्ते, पागल कुत्ते के लार ग्रंथियों में यह वायरस, लार में यह वायरस पाया जाता है, जिसके कारण यह रोगी व्यक्ति जब अफेक्ट होता है तो उसका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वह पागल कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगता है और इलाज में लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका भी टीकाकरण उपलब्ध है और लुई पास्चर ने एंटी रेबीज टीके की खोज की थी। और बच्चों, जो अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस था, आप सभी परिचित हैं, यह भी वायरस से होने वाला एक रोग है। तो जो कोरोना है, नोवेल कोरोना वायरस, वायरस का एक बड़ा परिवार है जो सामान्य सर्दी खांसी से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे कि सॉर्स, कोविड-19 तक का कारण बनते हैं। कोरोना का नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्राउन के जैसे होता है। कोरोना का मींस क्राउन ही होता है, अतः उस जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण ही कोरोना का नाम कोरोना रखा गया। कोरोना के कारण होने वाली बीमारियों में पहला सॉर्स। सॉर्स जो है सबसे पहले चीन में 2003 में देखा गया था। इसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली संक्रामक और घातक बीमारी है। फिलहाल यह भी नियंत्रित है और 2004 के बाद से यह नहीं पाया गया है। कोरोना से होने वाला जो दूसरा बीमारी है कोविड-19 है।
कोविड-19 का नाम कोरोना वायरस 2019 है, उसे ही शॉर्ट में कोविड-19 कहा गया। सर्वप्रथम यह चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में पाया गया। इससे पहले मनुष्य में इसकी पहचान नहीं की जा सकी थी, जानवरों में यह उपस्थित था। स्ट्रेन चेंज होने के कारण नए कोविड-19 वायरस के रूप में पहचान बना पाया। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि अकेले अमेरिका में ही 3 लाख लोग मारे जा चुके थे। विश्व भर में भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई। फिलहाल कोविड-19 भी नियंत्रित है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे वैक्सीन का निर्माण हुआ, वहीं रूस ने स्पुतनिक-1 और अमेरिका में फाइजर जैसे वैक्सीनेशन का निर्माण किया गया, जिसके कारण WHO की सहायता से पूरे विश्व में वृहद टीकाकरण अभियान चलाया गया और अब यह वायरस से होने वाला रोग भी नियंत्रित है। जीवाणुओं की खोज लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु भी अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, किंतु वायरस से थोड़े बड़े होते हैं आकार में। इनसे होने वाले रोग TB, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, टिटनेस, कुष्ठ रोग इत्यादि हैं। बच्चों, आपके मुंह में कभी छाले हुए होंगे? जब आपके मुंह में छाले हुए होते हैं तो मुंह में छोटे छोटे घाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे आमाशय और छोटी आंत में, जो कि पेट के अंदर स्थित है, में छोटे छोटे घाव उत्पन्न हो जाते हैं, छाले उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन्हीं छाले और घाव को अल्सर कहा जाता है। कई वर्षों तक हम यही सोचते आ रहे थे कि इन अल्सर का, जिसे पेप्टिक व्रण कहा जाता है, का कारण गलत जीवन शैली या रहन सहन ढंग है। पेप्टिक अल्सर में आमाशय तथा छोटी आंत में अम्लीयता संबंधित दर्द एवं रक्त स्त्राव होता है। हम यही सोचते थे कि परेशानी भरे जीवन के कारण, आमाशय में अधिक अम्लीयता के कारण ये छाले उत्पन्न होते हैं, लेकिन दो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसका कारण हेलिका बैक्टर पाइलोरी नामक एक जीवाणु होता है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में जो रोग विज्ञानी थे, रॉबिन वॉरेन, जिनका जन्म सन 1937 में हुआ, ने सर्वप्रथम इन छोटे छोटे वक्राकार जीवाणुओं को अनेक रोगियों के आमाशय के निचले भाग में देखा। इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम बैरी मार्शल था, ने एक चिकित्सक थे, इन्होंने जो रॉबिन वॉरेन थे उनकी खोज में दिलचस्पी ली तथा विभिन्न स्रोतों से जीवाणु का संवर्धन करने में सहायता प्राप्त की। अपने उपचार के अध्ययन में मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब कारक जीवाणु को आमाशय में ही मार दिया जाए। इन्होंने पेप्टिक व्रण प्रतिजैविक तैयार किया, प्रतिजैविक जिसे हम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। इस एंटीबायोटिक की सहायता से जो अल्सर होता है उसका उपचार किया जा सकता है। बाद में इन दोनों वैज्ञानिकों को शरीर रोग विज्ञान तथा औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार उन्हें सन 2005 में प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार क्या है? नोबेल पुरस्कार ऐसे समाज के लिए महान कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जा सकता है। जैसे अब आप कहेंगे कि नोबेल प्राइज क्या है? नोबेल प्राइज समाज में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए कई महान कार्य किए हों। यह चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु कहा जाता है। प्रोटोजोआ भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु वायरस और जीवाणु से आकार में कुछ बड़े होते हैं, किंतु इन्हें भी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है।
अमीबियसिस, पेचिस, निद्रा रोग और काला आजार भी प्रायः प्रोटोजोआ से होता है। कवक को हम फंगस के रूप में जानते हैं। दाद, खाज, खुजली, गंजापन इत्यादि कवक से होता है। कृमि, जिन्हें हम वर्म्स भी कहते हैं, कृमि के अंतर्गत निमोटोट्स और हेलमिंस आते हैं। ये सूक्ष्म कृमियाँ विभिन्न रोगों को उत्पन्न करती है, जैसे फाइलेरेसिस, जिसे हाथी पाव भी कहा जाता है, एस्किरेसिस, जो कि पेट की कृमि, फीता कृमि इत्यादि के रूप में दिखाई पड़ता है, तथा हमारे आंतों में रहकर ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अब तक हमने यह जाना कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैलते हैं, जिसका कारण विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। पर बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूक्ष्म जीव या रोगाणु एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक फैलते कैसे हैं? हम जानते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। कुछ लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो रोगाणु होते हैं, वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष माध्यम दोनों तरीके से फैल सकते हैं। प्रत्यक्ष माध्यम में व्यक्तिगत संपर्क से, जब किसी परिवार, किसी ऑफिस या स्कूल में कोई व्यक्ति किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह बीमार पड़ सकता है। साथ उठने, खेलने, बैठने, खाने इत्यादि से वो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। वायु के द्वारा तपेदिक, न्यूमोनिया, फ्लू जैसी बीमारियां वायु से फैलती हैं। जब रोगी व्यक्ति छींकता, खांसता, बात करता है तो उसके लार में उपस्थित जीवाणु, विषाणु सूक्ष्म बूंदकों के साथ बाहर आते हैं और आसपास उपस्थित स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि छींकने के कारण जो सूक्ष्म बूंदकें हैं वो 4 से 5 मीटर की दूरी तक जा सकती हैं। इसीलिए सभी को मुंह पे हाथ रखकर या रुमाल रखकर छींकने के लिए कहा जाता है। वायुवाहित रोगों का संक्रमण अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में या फिर कम रोशनदान वाले घरों में अधिक होता है। संक्रामक रोगों को फैलाने में दूषित जल, भोजन का भी योगदान है। अधपका मांस और कवक, फंगी लगा हुआ भोजन करने से भी बीमार पड़ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अतिसार, दस्त, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा परोक्ष माध्यम से बात करें तो परोक्ष माध्यम के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतु आते हैं, जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहा जाता है। मच्छर, मक्खी आदि इसके उदाहरण हैं। मच्छर से तो कई रोग फैलते हैं। मच्छर जो हैं मलेरिया के, डेंगू के, फाइलेरिया के और चिकनगुनिया का रोगवाहक होता है। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से होता है, वही डेंगू का भी प्रकोप है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। मक्खियां गंदे स्थानों पर बैठकर स्वच्छ स्थानों पर आती हैं और उन्हें भी दूषित करके विभिन्न रोगों का संक्रमण करती हैं। इसके अलावा विभिन्न जीव जंतु जैसे कि कुत्ते, लोमड़ियाँ, चमगादड़, भेड़िए, बिल्लियाँ इत्यादि भी रेबीस नामक विषाणुओं की वाहक होते हैं। संक्रमित रोगों के परोक्ष माध्यम के दौरान हमने विभिन्न जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि के द्वारा रोगों का फैलना जाना। इसके अलावा कुछ अन्य माध्यम भी जिनके द्वारा ये रोग फैलते हैं, जैसे कि संक्रमित इंजेक्शन, इन्फेक्टेड सर्जिकल डिवाइस, दरवाजों के हैंडल से, रोगी व्यक्ति के नैपकिन से, कपड़े से, बर्तनों से आदि से भी ये रोग फैल सकते हैं। अब
हमने संक्रामक रोगों और उनके फैलने वाले साधनों पर चर्चा किया, अब हम आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक नहीं जाते हैं, संचरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। सामान्यतः रोगी के जीवन में लंबी अवधि तक दुर्व्यसनों के कारण ये रोग होते हैं। यह दुर्व्यसन का अर्थ गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली, लाइफ स्टाइल या फिर मादक पदार्थों का सेवन, कुछ भी हो सकता है। ये रोग जब उत्पन्न होते हैं तो जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं, ये दीर्घकालिक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक आनुवंशिक और दूसरा अनियमित जीवन शैली के अपनाने से। कुछ रोग आनुवंशिक और अनियमित जीवन शैली दोनों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो आनुवंशिक भी होता है और साथ साथ अनियमित जीवन शैली के कारण भी उत्पन्न होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा हो तो डायबिटीज हो सकता है, आपके शरीर में किसी हार्मोन्स की कमी हो गई हो तो भी डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा आज हम विभिन्न असंक्रामक रोगों पर चर्चा करने वाले हैं। असंक्रामक रोगों में मुख्यतः पोषक तत्वों की कमी से होने वाले अथवा अधिकता से होने वाले रोग शामिल हैं। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग, हम जानते हैं कि हमारे भोजन में संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। यदि संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व शामिल होते हैं, यदि इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाए तो विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कुछ रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है और इसमें हड्डियां धनुष के आकार में मुड़ जाती हैं। इसके अलावा कुछ खनिज मिनरल्स की कमी से भी असंक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन की कमी से, आयरन और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा जैसे रोग हो सकते हैं। प्रोटीन की कमी से मरास्मस और क्वासीओरकर होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो हमने ये कमी वाली बात की। अब यदि ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में हमारे शरीर में आ जाए तो इसके कारण भी रोग होता है, जैसे कि एक उदाहरण हमने ले ही चुका है डायबिटीज़ का। दूसरा, यदि हम अधिक चिकनाई, वसा या कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करते हैं तो इसके कारण मोटापा होता है। बच्चों, मोटापा भी एक रोग है और यह विभिन्न रोगों को जन्म देता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस या किडनी संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। असंक्रामक रोगों में दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 अपॉन 80 mm ऑफ HG होता है। यह हृदय के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को इंगित करता है। यदि किसी व्यक्ति में 120 ऑफ 80 mm ऑफ HG की सामान्य मात्रा से यदि अधिक ब्लड प्रेशर हो तो उसे हाई BP, और इससे कम ब्लड प्रेशर हो तो उसे लो BP का मरीज कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अधिक नमक खाने के कारण भी होता है, इसका कारण टेंशन लेना भी हो सकता है। विभिन्न कारणों से यह उत्पन्न होता है। फिर एक असंक्रामक रोगों में प्रमुख रोग है कैंसर। बच्चों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। जब हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाएं असामान्य होकर अनियमित और अनियंत्रित ढंग से विभाजित होने लगती हैं
और ऊतकों को नष्ट करती हैं तथा ट्यूमर का निर्माण करती हैं, तब हम कहते हैं कि यह कैंसर है। ये जो ट्यूमर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कम घातक होता है, यह एक निश्चित स्थान पर ही होता है जिसके कारण उस अंग को काटकर बाहर कर दिया जाता है जिससे रोगी की जान बच सकती है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है यह बहुत घातक होता है, शरीर की किसी भी कोशिकाओं किसी भी ऊतक में अटैक करता है और इस यह घातक होने के साथ साथ इसका इलाज भी अभी तक संभव नहीं है। कैंसर के होने के विभिन्न कारण हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो है स्किन कैंसर क्रिएट करती हैं, कुछ वायरस जिन्हें ओंकोवायरस कहा जाता है उनके कारण भी कैंसर होता है और कार्सिनोजेनिक पदार्थों के सेवन से भी कैंसर होता है। कार्सिनोजेनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, चरस, गांजा, कुछ प्लास्टिक भी कार्सिनोजेनिक्स होते हैं और केमिकल्स भी कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। ऐसे कोई भी पदार्थ जो कैंसर क्रिएट करते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक पदार्थ कहा जाता है। हमें इनकी पहचान करनी चाहिए और इनसे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एलर्जी भी एक असंक्रामक रोग है। कभी कभी हम देखते हैं कि अचानक हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई, लाल चकत्ते पड़ गए, रेसेस आने चालू हो जाते हैं, तो यह एलर्जी का ही लक्षण है। एलर्जी वह स्थिति होती है जो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं किसी बाह्य पदार्थ के प्रभाव में आकर असामान्य ढंग से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यही एलर्जी है। बच्चों, कोरोना महामारी के दौरान आप लगातार एक नाम सुनते रहे हैं, टीका या वैक्सीनेशन। सभी को इंतजार था कि कब यह वैक्सीन बनकर तैयार हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पहला वैक्सीन कब और कैसे तैयार हुआ? कहानी इंग्लैंड से शुरू होती है। 17 मई सन 1749 को इंग्लैंड के बर्कले में स्थानीय विक्टर के घर एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ। शिक्षा के लिए एडवर्ड जेनर 14 साल की छोटी उम्र में एक सर्जन के साथ लंदन भेज दिए गए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1772 में जेनर बर्कले वापस आए और वहीं अपनी प्रैक्टिस करने लगे। ये समय था जब चेचक और खसरा जैसी बीमारियां महामारी बन जाती थी, लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाते थे और कई लोग अपनी जान गंवा देते थे। जेनर इस रोग के बारे में बहुत सोचते थे। उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स का असर ग्वालों पर बहुत कम होता है। उन्होंने पाया कि गायों में होने वाली चेचक के फफोले में होने वाले मवाद से ग्वाले संक्रमित होते हैं। काउ पॉक्स का यह वायरस मानव शरीर पर बहुत कम असर करता था, जिसके चलते ग्वाले स्मॉल पॉक्स, जिसे हम छोटी माता या चेचक कहते हैं, से बच जाते थे। 1796 में उन्होंने इस अवधारणा का पहली बार प्रयोग किया और यही टीकाकरण की नींव बनी। जेनर ने काउ पॉक्स से ग्रसित एक ग्वालन के छाले से विषाणु युक्त मवाद लिया और उसे एक 8 वर्षीय बालक जिसका नाम जेम्स फ्लिप था के शरीर में चीरा करके डाल दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जेम्स काउ पॉक्स से संक्रमित हुआ, हल्का सा बुखार आया, फिर वह ठीक हो गया। अब आगे एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के जीवाणुओं को जेम्स फ्लिप के शरीर में प्रवेश कराया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने देखा कि वह संक्रमित नहीं हुआ। उन्होंने एक बार पुनः स्मॉल पॉक्स के जीवाणुओं को लिया और जेम्स के शरीर में प्रवेश कराया,
लेकिन अब की बार भी जेम्स संक्रमित नहीं हुआ। जेम्स के शरीर में स्मॉल पॉक्स के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो चुकी थी। एडवर्ड जेनर इसे समझ गए। अब उन्होंने व्यापक स्तर पर इस पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। शुरुआत में उस समय के जो विद्वान थे और धार्मिक संगठनों ने एडवर्ड जेनर का बहुत मजाक बनाया। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने भी उनके शोध को अपूर्ण माना और उसे मान्यता नहीं दी, किंतु एडवर्ड जेनर अपने प्रयोग लगातार करते रहे। उन्होंने अपने स्वयं के 11 वर्ष के बच्चे और अन्य बच्चों पर इन प्रयोगों को दोहराया और हर बार सफलता प्राप्त की। इसके बाद उन्हें मान्यता मिल गई और उन्हें टीकाकरण का जनक माना गया। वैश्विक स्तर पर उनके इस योगदान का हम आज भी उपयोग कर रहे हैं। जो टीकाकरण या वैक्सीन का नाम एडवर्ड जेनर की खोज के दौरान ही रखा गया, क्योंकि काऊ को लैटिन भाषा में वेका कहा जाता है और काऊ में होने वाले चेचक काऊ पॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता था, इसी नाम से वैक्सीन नाम रखा गया। अब बच्चों, आपने ये तो जाना कि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने के कारण वो बच्चा स्मॉल पॉक्स के होने से बच गया। बच्चों, एडवर्ड जेनर ने प्रतिरोधक क्षमता के बारे में समझा जाना और वैक्सीन की खोज की, पर यह प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। ये प्रतिरोधक क्षमता विभिन्न प्रतिरक्षी कोशिकाओं के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर और हमारे खून में पाए जाने वाले WBC हमारे प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। WBC विभिन्न रोगों से लड़ती है, उन्हें मारती है, उन्हें खत्म करती है, इसलिए इसे शरीर का पुलिस या सैनिक भी कहा जाता है। अब प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? प्रतिरक्षी तंत्र किसी जीव के शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं का एक समूह है जो रोगजनकों और अवांछनीय कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। यह प्रणाली विषाणुओं से लेकर परजीवी कृमियों जैसे विभिन्न प्रकार के रोग कारकों को पहचानने में सक्षम होता है, किंतु यह जीवों की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे शारीरिक प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है। बच्चों, हमारी जो WBC कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में उपस्थित पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। हमारा शरीर सुचारू ढंग से कार्य करता रहता है, किंतु कोई भी बाहरी अवांछनीय कोशिकाएं या रोगाणु हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं ये प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, उन एंटीजन्स के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और उन्हें मारकर नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार हम विभिन्न रोगों से बच पाते हैं। अब विभिन्न रोगजनक जब हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं तब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाती है और जो प्रभावित कोशिका या ऊतक है उसके चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम को शोथ या इन्फ्लामेशन कहते हैं। इससे जो प्रभावित अंग है उसमें सूजन, दर्द या बुखार भी उत्पन्न हो सकता है और यह किसी भी बीमारी के होने का एक सामान्य लक्षण भी प्रकट करता है।